थाना राया क्षेत्र के गांव नगला पीता में वर्षों से बने पाइपलाइन के विवाद को पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा निपटाया गया। ग्रामीण गांव में खारे पानी की समस्या के चलते पेयजल आपूर्ति निजी संसाधनों से कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस गांव में वर्षों से पाइपलाइन डालने को लेकर विवाद बना हुआ था। आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने समस्या का समाधान कर दिया। बताते चले कि गांव के उदयवीर मास्टर द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव कराकर मीठे पानी घरों तक पहुंचाने के लिए निजी पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन गांव के ही मंगी नामक रिटायर्ड फौजी ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जता दी। कई बार झगड़ा भी हुआ। जनहित में हो रहे इस कार्य को लेकर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने गंभीरता दिखाई, क्योंकि गांव से कई किलोमीटर की दूरी से महिलाएं पीने का पानी लेकर आती हैं। इसी समस्या के निस्तारण के लिए वीडियो राया श्वेतांक पांडे, तहसीलदार पीपी पाठक और थाना प्रभारी हरविंद कुमार मिश्रा मैं फोर्स के वहां पहुंचे और अपनी मौजूदगी में विवादित कार्य को पूरा कराया। कार्य के संदर्भ में तहसीलदार पीपी पाठक ने जानकारी दी। नगला पीता है, उसमें पाइपलाइन डली है, क्या विवाद था और किस तरह डलवाई? ग्राम नगला पीता में जो पानी, पीने का पानी है वो काफ़ी खारा है। इसके जो है निस्तारण हेतु ग्राम नगला पीता के एक पाइपलाइन बिछाई जाए, ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव किया गया, जिसके माध्यम से अपने खेत से जो है खरंजी में जो पाइपलाइन बिछाती बुला रही थी, ताकि गांव के लोगों को और उनको पीने का जो है मीठा पानी मिल सके, जिससे खड़े पानी की समस्या दूर हो सके। लेकिन गांव के ही एक मंगी ने अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे थे। वो अपने केवल व्यक्तिगत निजी स्वार्थ की खातिर उस पाइपलाइन की जो है बिछाने का काम रोक दिया गया था। आज ब्लॉक पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जो पाइपलाइन था उसको पड़वा दिया गया। इससे क्या है, गांव में अब जो है पानी पिए सभी लोगों को जो है पीने का जो है मीठेपन पानी होगा और एक समस्या का जो है निस्तारण हो गया है। अब कोई इसी तरह का विवाद तो नहीं रहेगा? नहीं, उम्मीद नहीं कि विवाद होने की उम्मीद, क्योंकि खरंजिया जो है किसी की व्यक्तिगत मिलकियत नहीं है, खरंजिया सभी लोगों का बिल्कुल वो है। और बाकायदा चूँकि ग्राम सभा का प्रस्ताव है सभी के लिए, इसलिए विवाद की जो है कोई चांसेस नहीं है।